রণবীর আলিয়ার সংসারে নতুন সদস্য মা হলেন আলিয়া ভাট কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন আলিয়া আজ সকালেই মুম্বাইয়ের হাসপাতালে ভর্তি হন আলিয়া মা মেয়ে দুজনেই সুস্থ আছেন খবর সূত্রের এবছরই 14ই এপ্রিল দাম্পত্য জীবনে পা রাখেন রণবীর আলিয়া কন্যা সন্তান জন্মের খবর নিজেই ফেসবুকে পোস্ট করে জানালেন আলিয়া আমরা আবেগঘন মুহূর্তটাকে উপভোগ করছি আমরা আনন্দে ভাসছি ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন আলিয়া ভাট রণবীর আলিয়ার সংসারে নতুন সদস্য মা হলেন আলিয়া ভাট কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন আলিয়া আজ সকালেই মুম্বাইয়ের হাসপাতালে ভর্তি হন আলিয়া মা মেয়ে দুজনেই সুস্থ আছেন খবর সূত্রের এবছর 14ই এপ্রিল দাম্পত্য জীবনে পা রাখেন রণবীর আলিয়া কন্যা সন্তান জন্মের খবর নিজেই ফেসবুকে পোস্ট করে জানালেন আলিয়া আমরা আবেগঘন মুহূর্তটাকে উপভোগ করছি আমরা আনন্দে ভাসছি ফেসবুক পোস্টে নিজেই লিখেছেন আলিয়া ভাট মা মেয়ে দুজনেই সুস্থ আছেন আজ সকালেই মুম্বাইয়ের হাসপাতালে ভর্তি হন আলিয়া ভাট তিনি সেখানে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন মা হলেন আলিয়া ভাট রণবীর আলিয়ার সংসারে নতুন সদস্য এবছরই 14ই এপ্রিল দাম্পত্য জীবনে পা রাখেন রণবীর আলিয়া কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি রবি জৈনের সঙ্গে রবি মা বন গই আলিয়া আর অভি মা বেটি কেসি হ্যায় ক্যা পতা চল রহা হ্যায় হসপিটাল কি তরফ সে जी रणबीर आलिया ने रवि जी सुनाई दे रहा है आपको 12:05 पर एक बेटी को जन्म दिया है और तकरीबन एक घंटे बाद आलिया और आलिया भट्ट ने हालांकि रणबीर कपूर सोशल मीडिया पे नहीं है आलिया भट्ट ने और नीतू कपूर जो आलिया भट्ट की सास है उन दोनों ने एक इसकी पुष्टि की इस खबर की और बताया कि वो कितने खुश हैं आलिया के मां बनने से सुबह 8:20 पर आलिया भट्ट को दक्षिण मुंबई के एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में दाखिल कराया गया था रणबीर कपूर भी उनके पीछे पीछे 2 मिनट बाद दूसरी कार में पहुंचे थे और 4 घंटे के भीतर ही यानी कि 12:05 पर आज संडे को आज रविवार है आज रविवार को 12:05 में भर्ती होने के 4 घंटे के भीतर ही आलिया भट्ट ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया है हमें ये जानकारी भी मिली है कि इस वक्त रणबीर कपूर के अलावा रणबीर कपूर की मां नीतू सिंह और आलिया भट्ट की मां सोनी राजधान भी अस्पताल में मौजूद है हमें बताया गया है कि जो बेटी ने जिस बेटी ने जन्म लिया है वो स्वस्थ है इस वक्त आलिया की तबीयत भी ठीक है तो इस चिंता की कोई बात नहीं है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी इसी साल 14 अप्रैल को बांद्रा में उसी इमारत में हुई थी जहां पर पिछले 5 सालों से रणबीर और आलिया लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे उसके 2 महीने बाद यानी कि जून में 27 जून को आलिया भट्ट ने हॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग के दौरान लंदन से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी वो हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग कर रही थी उस दौरान वो अस्पताल गई थी उन्होंने जांच कराई थी और पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने ये खुशखबरी शेयर साझा की थी सोशल मीडिया पे 27 जून को और आखिरकार आज के दिन वो मां बन गई है एच एन रिलायंस अस्पताल में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया रणबीर कपूर उनके जो पति हैं उनकी मां जो है सोनी राजधान और उनकी सास नीतू सिंह इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद है संगीता